दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना बच्चों को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रदेश में अब तक सबसे अधिक संक्रमण बच्चे की बात करें तो नोएडा इसमें सबसे आगे है। पिछले 7 दिन में 44 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 16 बच्चों की उम्र 18 साल से भी कम है। कोरोना तेजी से पैर बसा रहा है। तेजी से कोरोना का शिकार हो रहे बच्चों को लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। देखिए संवाददाता हैदर की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 43 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 16 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है। कई स्कूलों में अब तक बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल चुके हैं। 156 हो गई है एक्टिव मरीजों की संख्या और महज 7 दिनों में 100 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। वहीं 44 बच्चे अब तक कोरोना की चपेट में भी गौतम बुद्ध नगर में आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, जहां सबसे ज़्यादा कोरोना की चपेट में बच्चे आए हैं। कई स्कूल हैं, 3 टीचर भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। उसके बाद स्कूलों में नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं, क्लास ऑफलाइन कर दी गई हैं। स्कूलों में सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए पता लगाने की कोशिश कर रहा है और कितने लोग पॉजिटिव हैं। इसके अलावा लगभग 64 लोगों की रिपोर्ट जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी भेजी गई है, उनके रिजल्ट का इंतज़ार अभी है। लगातार कोरोना को कम करने के लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों से भी अपील कर रहा है कि घर से निकलते समय मास्क सैनिटाइज़र का उपयोग करें, कोई भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि देखते ही देखते ज़िले में कोरोना हावी होता जा रहा है। हैदर अली, जेक्रोड 47।